हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद सुंदर और मैं जीएस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपको इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत लोक वित्त का टॉपिक पढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको लोक वित्त के जो तीन सब टॉपिक मैंने बताया था, गवर्नमेंट रिसेप्टेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बजट, जिसको हम जा करके आगे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट इन सब चीजों में देखेंगे। तो पहले टॉपिक के सब टॉपिक के अंतर्गत आपको मैंने गवर्नमेंट रिसेप्टेंस बता दिया था। आज हम अपने इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे, जिसको हम सामान्यतः सार्वजनिक व्यय या सार्वजनिक खर्चे कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक खर्च क्या है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक का मतलब जो भी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से संबंधित होता है उसको हम पब्लिक कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो सरकार, चूंकि उसके पास आय के भी कुछ स्रोत होते हैं और व्यय के भी कुछ माध्यम होते हैं, तो आय स्रोत के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि राजस्व प्राप्ति है और पूंजीगत प्राप्ति है। हम आपको उस समय बताते समय ये बताए थे कि राजस्व और पूंजीगत का सामान्य कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी होता है। तो राजस्व का मतलब होता है जिसमें न तो सार्वजनिक देयताओं का और न तो सार्वजनिक परिसंपत्तियों का कोई संबंध नहीं होता, जबकि पूंजीगत में सार्वजनिक संपत्तियों का और सार्वजनिक दायित्व का संबंध होता है। तो इसी प्रकार आप इस अपने इस टॉपिक में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हम राजस्व खर्चे, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम पूंजीगत खर्चे कहेंगे। जिस प्रकार हमने रिसेप्टेंस में गवर्नमेंट रिसेप्टेंस के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, उसी प्रकार हम अपने इस टॉपिक में यह पढ़ेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि राजस्व खर्चे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। राजस्व खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं, सरकार के एक ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें न तो किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, कहने का मतलब है कि इससे किसी भी सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, न तो सरकार की देयताओं में कमी होती है। कहने का मतलब है कि जो भी सरकार ने, सरकार के ऊपर जो भी दायित्व है, उस दायित्व में कमी नहीं होती है और न ही किसी भी नए प्रकार की संपत्ति का निर्माण होता है। तो हम इस परिभाषा में यह देखेंगे, न तो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण न तो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण मैंने आपको बताया था कि सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत क्या होता है और सार्वजनिक देयताओं में क्या होता है, इसको हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। दूसरा इसका टर्म होता है न तो सार्वजनिक देयताओं में कमी, सार्वजनिक देयताओं में लायबिलिटी किसको कहते हैं, लायबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी, तो आपको सामान्यतः यह समझ में आ गया होगा कि राजस्व खर्चे का किसी भी प्रकार से सार्वजनिक देयता और सार्वजनिक संपत्तियों से संबंध नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्व प्राप्तियों का, अगर मैं इससे राजस्व खर्चा का राजस्व प्राप्तियों के साथ तुलना करूं तो इसमें मैंने आपको बताया था न तो सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है, कहने का मतलब है कि सरकार को आय प्राप्त करने के लिए अपने सार्वजनिक संपत्तियों में कमी नहीं करनी पड़ती है, डिस इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। यहां मैंने बताया था निर्माण और यहां मैं कह रहा हूं सार्वजनिक संपत्तियों में कमी,
सार्वजनिक संपत्तियों में कमी न तो यहां भी सार्वजनिक संपत्तियों में कमी नहीं होगा और यहां भी सार्वजनिक संपत्तियों का जमा नहीं होगा। इसी प्रकार न तो सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि हम आपको दोनों इस टॉपिक को इसलिए तुलनात्मक तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ पर ए जगह आपने देखा होगा सार्वजनिक देयताओं में कमी तो राजस्व जो खर्चे होते हैं उनका संबंध कमी से होता है और जो प्राप्तियां होती हैं उनका संबंध वृद्धि से होता है। ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको इस चीज को तुलनात्मक तौर पर बताया हुआ है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि राजस्व खर्चों में हम किसी भी प्रकार के सार्वजनिक देयताओं और सार्वजनिक संपत्तियों को शामिल नहीं करते। अब आइए कुछ इसके उदाहरण को समझते हैं कि इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। सामान्यतः राजस्व खर्चों से न तो किसी संपत्तियों का निर्माण होता है और न ही किसी प्रकार के देयताओं में कमी होती है। तो इसका सामान्यतः मतलब यह होता है कि राजस्व खर्चे जो होते हैं उनको प्रायः नॉन प्रोडक्टिव माना जाता है। कहने का मतलब वो गैर उत्पादक होते हैं। उनसे किसी भी प्रकार के संपत्ति का निर्माण न होने से उनको गैर उत्पादक माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे वेतन, सरकार जो अपने कर्मचारियों को वेतन देती है उसको हम राजस्व खर्चे के अंतर्गत शामिल करते हैं। पेंशन, ब्याज भुगतान, सरकार चूंकि मैंने आपको बताया था पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सरकार लोगों से और बाह्य रूप से ऋण उधार लेती है तो इस ऋण उधारी के लिए जो ब्याज भुगतान दिया जाता है उसको हम राजस्व खर्चे के अंतर्गत शामिल करते हैं। आप इस वीडियो को पुराने वीडियो को जब तक लिंक स्थापित नहीं करेंगे कि कौन सा ब्याज भुगतान राजस्व खर्चा में शामिल होगा और ब्याज जो ऋण जो होता है वो हमारा पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल होता है। तो अभी अगर अभी का जो डाटा है उसके अनुसार जो होता है ब्याज भुगतान राजस्व खर्चे का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अतिरिक्त इसमें हम सब्सिडी शामिल करते हैं, साथ ही साथ इसमें ग्रांट जो होता है ये भी शामिल किया जाता है। सब्सिडी एक तरफा भुगतान होता है, ग्रांट क्या होता है ये भी एक तरफा भुगतान होता है। इन सारे चीजों को हम राजस्व खर्चे में शामिल करते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आप प्रश्न जैसे पूछ लिया गया निम्न में कौन राजस्व खर्चे में शामिल नहीं, राजस्व खर्चे में शामिल नहीं। पहला आदर मान लीजिए दे दिया आपका ऋण, दूसरा दे दिया वेतन, तीसरा दे दिया निवेश। माफी चाहूंगा यहां पर पेंशन, तो चौथा आपको दे दिया सब्सिडी। वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, ग्रांट ये सभी हमारे राजस्व खर्चे में शामिल होते हैं। और मैंने ये प्रश्न पूछा आपको निम्न में से कौन से राजस्व खर्चे में शामिल नहीं होता, तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा ऋण। ऋण को राजस्व खर्चों में शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको ये दिमाग में लाना है कि कौन कौन से चीज राजस्व खर्चों में शामिल होते हैं, राजस्व खर्चा क्या होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल एंटिटी को मैंने आपको बता दिया है कि क्या राजस्व खर्चे क्या होते हैं, राजस्व का सीधा मतलब क्या होता है। अब आकर हम आपको यह स्पष्ट करेंगे कि राजस्व खर्चों के अलावा सरकार जो है पूंजीगत खर्चे भी करती है।
तो आइए समझते हैं कि पूंजीगत खर्चों में क्या अध्याय शामिल होता है, तो सामान्यतः इसका मतलब क्या होता है। पूंजीगत खर्चे, इस पूंजीगत खर्चे में क्या क्या चीज शामिल होता है और पूंजीगत का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पूंजीगत प्राप्तियां, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ हम पूंजीगत प्राप्तियों को भी एक बार फिर से स्पष्ट करेंगे आपके सामने, जिससे आपका बेहतर कॉन्सेप्ट बन सके। पूंजीगत का मतलब होता है कि सार्वजनिक संपत्तियों, सार्वजनिक देयताओं से, जहां पर हमने पढ़ा कि राजस्व का किसी भी प्रकार से सार्वजनिक संपत्तियों का और सार्वजनिक देयताओं से संबंध नहीं होता है, वहां पर यहां पर हम देख रहे हैं कि पूंजीगत का हर तरीके से सार्वजनिक संपत्तियों का और सार्वजनिक देयताओं से संबंध होता है। हमने आपको पूंजीगत प्राप्तियों में बताया था सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि हो, अर्थात हम ऋण लें, अर्थात हम डिपॉजिट लें, सरकार ऋण ले, डिपॉजिट ले, जिससे उसके सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है, तो उसको हम पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल करते हैं। अगर सरकार पूंजीगत प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक संपत्तियों में कमी करे, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसको हम पूंजीगत प्राप्तियों में करते हैं। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि पूंजीगत प्राप्तियों में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो सामान्य परिभाषा ये देखेंगे कि इससे सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण होता है, संपत्तियों का निर्माण होता है। निर्माण का कहने का मतलब होता है कि सार्वजनिक संपत्ति में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, अर्थात संपत्तियों में वृद्धि होता है। तुलनात्मक रूप से हमको पूंजीगत प्राप्तियों को भी समझना जरूरी है। तो इसमें सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है, दोनों का संबंध सार्वजनिक संपत्तियों का होता है, इससे सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है। सार्वजनिक संपत्ति यहां भी है, सार्वजनिक संपत्ति यहां भी है, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो रहा है, अर्थात संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर सार्वजनिक संपत्तियों में कमी हो रही है। स्पष्ट हुआ यहाँ पर पूंजीगत खर्चे और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। अगर हम पूंजीगत खर्चे को राजस्व खर्चे से संबंधित करेंगे तो यहाँ पर राजस्व खर्चे में न तो किसी भी संपत्ति में वृद्धि होती है, न तो किसी भी संपत्ति में कमी होती है, न तो किसी भी सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है, न तो कमी होती है। वहीं पर पूंजीगत खर्चों के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्तियों में निर्माण होता है, अर्थात संपत्तियों में वृद्धि होती है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्तियों, जैसे सरकार कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की स्थापना करता है, ठीक, इसका कहने का मतलब है निर्माण करता है, यहां में संपत्तियों में वृद्धि हो रही है। हमने इसके अंतर्गत आपको बताया था डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहां पर डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपको समझने की जरूरत यहां पे है कि डिस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर की स्थापना होने से सार्वजनिक संपत्तियों में वृद्धि होती है, और सार्वजनिक संपत्तियों में कमी तब होती है जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच देते हैं। उसके अंदर इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। यहाँ पर ब्याज की बात नहीं किया गया, यहाँ पर ऋण प्रदानगी की बात की गई है। यहाँ पर क्या होता है, रिकवरी या डेट। तुलनात्मक अध्ययन आपको करना पड़ेगा, बिना तुलनात्मक अध्ययन किए हुए आप पूंजीगत खर्चे, पूंजीगत प्राप्तियों को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर ऋण प्रदान करना, तो एक होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऋण को प्रदान करना, इन चीजों को हम पूंजीगत खर्चों के अंतर्गत शामिल करते हैं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत हम
दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड द रिकवरी ऑफ डेट, मतलब जो मैंने ऋण दिया है लोगों को उस ऋण को मैंने वापस ले लिया। यहाँ पर ब्याज भुगतान की बात नहीं किया जा रहा, आप याद रखिएगा यहाँ पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पेमेंट ऑफ डेब्ट किया जा रहा है। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए का उधार दिया, मान लीजिए ये भारत सरकार, ये भारत सरकार है और इसने यूपी को 100 करोड़ रुपए का उधार दिया, तो ये जो उधार की राशि हो गई ये हमारा क्या हो जाएगा, पूंजीगत खर्चा। पूंजीगत खर्चा, पूंजीगत खर्चा किसका होगा, भारत सरकार, और इस ऋण के बदले यूपी सरकार भारत सरकार को मान लीजिए कि 20 करोड़ का ब्याज देती है, तो भारत सरकार को जो 20 करोड़ रुपए मिलेगा इसको हम राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक, अगर यूपी सरकार 20 करोड़ ब्याज देती है तो इसको राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत देते हैं, देखते हैं भारत सरकार यूपी को अगर 100 करोड़ रुपए का उधार देती है तो यह 100 करोड़ भारत सरकार का पूंजीगत खर्च होता है। मान लीजिए कुछ समय बाद यूपी सरकार भारत सरकार को इसका 100 करोड़ रुपए जो उधार लिया था इसने यूपी सरकार, ये इसको वापस कर देता है, इसका मतलब है कि इसको ऋण की पुनः प्राप्ति हो जाती है। तो भारत सरकार को जो रिकवरी या डेब्ट है जो इसने 100 करोड़ रुपए यूपी सरकार को दिया था, तो यूपी सरकार ने भारत सरकार को वापस कर दिया, सरकार भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए प्राप्त हो गया, तो ये जो 100 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ वो हमारा पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल होगा। इस प्रकार से अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करके समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से स्पष्ट रहेगा। अभी मैंने एक ही पक्ष देखा था कि इससे सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण होता है, अब मैं दूसरा पक्ष ये देखूंगा इससे सार्वजनिक देयताओं में क्या होता है, सार्वजनिक देयताओं में कमी होती है, सार्वजनिक देयताओं में कमी, सार्वजनिक देयताओं में कमी, और पूंजीगत प्राप्तियों में हम भी हम देखेंगे इसके साथ ही इसमें तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, इससे क्या होता है कि सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है, सार्वजनिक देयताओं में देयताओं में कमी पूंजीगत खर्च के अंतर्गत, देयताओं में वृद्धि पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत, इस चीज को हम देखते हैं। तो हमने आपको पुराने पहले वाले वीडियो से लेकर के अब तक यह स्पष्ट किया कि जो लोक वित्त होता है उसके जो 3 सब टॉपिक होते हैं, जैसे पहला आपने मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एसेट्स क्या होता है, इसको हम सार्वजनिक आय कहते हैं या सार्वजनिक प्राप्तियां कहते हैं, और अभी मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है। तो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत 2 चीजें शामिल होती हैं, पहला क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शंका हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ लीजिएगा। हमने आपको तुलनात्मक तौर पर बताया कि पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं, और पूंजीगत खर्चों के साथ साथ मैंने आपको राजस्व खर्चे भी स्पष्ट किया है। अब आकर के हम आपको ये बताते हैं कि इन खर्चों और इन प्राप्तियों को लेकर के सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ न कुछ नीतियों का निर्माण किया जाता है। इस सार्वजनिक खर्चों को हम एक परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया कि रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है, एक दूसरा परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहे हैं कि प्लांट एक्सपेंडिचर क्या होता है और नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर क्या होता है। फिलहाल प्लांट और नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर वर्तमान के राजकोषीय नीति का भाग नहीं है, यह 2017-18 के वित्तीय वर्ष के पहले के पार्ट थे, अब ये नहीं रह गए हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि हम
सार्वजनिक खर्च को जो पहले प्लान और नॉन प्लान में बांटते थे, अब उसको क्यों नहीं बांटते हैं, उसकी क्या विसंगतियां हैं और क्या वर्तमान में पुनः प्लान और नॉन प्लान को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्या इसके लिए किसी कमेटी का गठन किया गया था, तो हम आगे इस चीज को देखते हैं। प्लान एंड नॉन प्लान, हिंदी में इसको कहेंगे योजनाबद्ध और हिंदी में इसको कहेंगे गैर योजना। दो हजार पंद्रह में जब नीति आयोग की स्थापना हुई तो उसके बाद से योजना और गैर योजना के का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और भारत सरकार ने अपने बजट में ही निर्धारित 2016-17 का बजट था, 2016-17 के बजट में उसने घोषणा किया कि 2017-18 के बजट से सार्वजनिक खर्चे के इस विभाजन को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात अब सार्वजनिक खर्चे को प्लान और नॉन प्लान में नहीं शामिल किया जाएगा। यह बात 2017-18 के बजट से प्रारंभ होता है और इसकी घोषणा 2016-17 के बजट में होता है। ये आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गए। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत सरकार ने अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को प्लान और नॉन प्लान दो विभाजन कब इसने बंद कर दिया, तो आपका ऑप्शन होगा 2017-18 के बजट से, इसकी घोषणा कब हुई थी तो इसकी घोषणा 2016-17 के बजट में हो चुका था। अब आपको बताएंगे कि योजनागत के अंतर्गत क्या शामिल होता है और गैर योजना के अंतर्गत क्या शामिल होता है। तो प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है इसके अंतर्गत सरकार जो 5 ईयर प्लान जिसका था, सरकार का जो 5 ईयर प्लान था, उस 5 ईयर प्लान में सरकार केंद्र सरकार कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करती थी और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यय करता थी, तो उस व्यय को हम क्या किसमें शामिल करेंगे, उस व्यय को हम प्लान एक्सपेंडिचर में शामिल करेंगे। कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 5 ईयर प्लान या 5 ईयर इनको फुलफिल करने के लिए जिस एक्सपेंडिचर का प्रयोग करती है उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें कई सारी चीजें होती हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो अलग अलग एक्सपेंडिचर इसमें शामिल होता है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी योजनागत सहायता उपलब्ध कराती थी, जैसे आपको पता होगा कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना किया गया, आर्टिकल 280 में जहां पर केंद्र में वित्त आयोग की स्थापना किया गया है, तो 243 क्लास आई में राज्य वित्त आयोग की स्थापना किया गया है, तो राज्य वित्त आयोग राज्य के लिए काम करता है, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को जो भी योजनागत खर्चे उपलब्ध कराए जाते थे उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। अब आपको यह स्पष्ट करेंगे तो नॉन प्लांट क्या होता है। नॉन प्लांट का मतलब यह होता है कि जिसका संबंध प्लान एक्सपेंडिचर से नहीं होता है और सामान्यतः इसको गैर उत्पादक माना जाता है।
अगर एक तरीके से देखा जाए तो नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर का जो संबंध होता है, इसके पहले वाला विवाद में जो मैंने बताया कि राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं, तो उसमें इसका संबंध राजस्व खर्चों से होता है, चूंकि राजस्व खर्चे भी गैर उत्पादक होते हैं और ये भी गैर उत्पादक होते हैं। इसके कुछ उदाहरण को समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे सरकार जो भी ब्याज भुगतान करती है इसको नॉन प्लांट के अंतर्गत शामिल करती है। डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में जो भी खर्चे किए जाते हैं वो भी नॉन प्लांट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सरकार अपने कर्मचारियों को जो भी पेमेंट देती है और जो भी पेंशन देती है उन चीजों को उसमें शामिल करती है। सरकार जो भी सब्सिडी देती है इसमें इसको शामिल करते हैं, और सरकार जो भी ग्रांट प्रोवाइड कराते हैं उसको इन चीजों में शामिल करते हैं। तो अगर इससे पहले आपने देखा होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या शामिल होता है और नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर में क्या शामिल होता है, तो आपको काफी कुछ समानताएं दिख रही होंगी, तो यहां से आप उसको लिंक करके समझ सकते हैं। पहले ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे कि नॉन प्लांट में क्या उनसे शामिल होता है और प्लांट एक्सपेंडिचर में क्या शामिल होता है। फिलहाल अब प्लांट और नॉन प्लांट का कॉन्सेप्ट नीति आयोग की स्थापना के बाद लगभग समाप्त हो गया है, तो इसकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रह गई है। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जरूरी है कि प्लांट और नॉन प्लांट क्या होता है। अब आपको मैं यह स्पष्ट करूंगा कि क्या इस प्रकार का विभाजन समाप्त करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वहनीय है, क्या इसकी आज भी कोई प्रासंगिकता है। तो इसको लेकर के दो कमेटियों का निर्माण किया गया था, उस कमेटियों का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। एक रंगराजन कमेटी, रंगराजन समिति, इसने अनुशंसा की कि इस तरीके का विभाजन जो नॉन प्लांट और प्लांट होता है, इसमें जो यह पूर्व संकल्पना होती है कि नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर जो होता है वह हमेशा गैर उत्पादक होता है, यह सही नहीं है। अर्थात इस प्रकार के विभाजन को उसने पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। एक रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन है और दूसरा रिकमेंडेशन है 14वें वित्त आयोग का, 14वें फाइनेंस कमीशन, 14वें फाइनेंस कमीशन ने भी रंगराजन समितियों को पुष्टि किया कि इस प्रकार के विभाजन का समाप्त किया जाना नीतियों में भ्रम की स्थिति को पैदा कर सकती है। अर्थात नॉन प्लांट और प्लांट को मर्जर करके एक ही एक्सपेंडिचर में शामिल कर देना, इससे नीतियों का अस्पष्ट विभाजन नहीं हो पाएगा, नीतियों को अस्पष्ट और सार्वभौमिक तौर पर हम संपादित नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से इस प्रकार के विभाजन को इन दोनों कमेटियों को पुनः स्थापित करने की अनुशंसा किया। तो आपने इस वीडियो में देखा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के क्या क्या इनग्रीडियंट्स होते हैं, इसका क्या क्या विभाजन होता है। हम अपने आने वाले अगले वीडियो में यह स्पष्ट करेंगे कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं बजट घाटा। तो बजट घाटा कितने प्रकार के होते हैं, बजट घाटाओं का किसी भी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समष्टिगत परिप्रेक्ष्य में क्या उसका प्रभाव होता है, सरकार के द्वारा क्या क्या पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय के अंतर को घाटा कहते हैं। इस घाटे के कितने प्रकार होते हैं इसको समझने के लिए हमारा अगला वीडियो आप अवश्य देखें, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। बहुत